Good morning, students. I am Vineet Uttam, your SST teacher, and today we will discuss about chapter number 5, advertising media. Sorry, understanding media and advertising. Students, in this chapter we will discuss about the understanding media, media and democracy, media ethics, advertisement, consumerism and the consumer rights. So let's start the chapter, and the first thing was the understanding media. Students, human are social being and the communication is the social aspect of their lives. To stay connected to the outside world, media is a form of mass communication that brings the people closer to each other. मतलब ये जो मीडिया शब्द है, इसका मतलब होता है मास कम्युनिकेशन, मीन्स लोगों का एक दूसरे के संपर्क में आना. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो जैसे न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, मैगजीन, इंटरनेट, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द मीडिया. क्या है ये? मीडिया के फॉर्म्स हैं. अब जो मीडिया है वो वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज द प्रिंट मीडिया एंड सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. ठीक है, so first one is the print media. Print media means the newspaper, magazines, books are the example of the print media, and the electronic media is means the radio, television, the audio visuals like e-books or DVDs, the news channels, the TV, internet. These are the examples of the electronic media. Now we will discuss about the media and democracy. Free and open media are the essential for the healthy democracy. Media makes the people aware of political, social and economic conditions of the country. In the remind of the government of their promises that they made at the time of the elections, and forces the politicians to fulfill their promises so as they stay in power. मीडिया डेमोक्रेसी में सबसे पहले देखिए, जो मीडिया है वो स्वतंत्र है, और हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, एक अच्छे डेमोक्रेसी के लिए मीडिया का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है. मीडिया लोगों को अवेयर करती है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए देश की, और वो सरकार को याद दिलाती है ऐसे प्रॉमिसेस के लिए जो उसने इलेक्शंस के टाइम पर जो मैनिफेस्टो बनाती है पार्टी, इलेक्शंस के टाइम पर जो प्रॉमिसेस उसने जनता से किए थे उनको मीडिया बार बार याद दिलाती है, रिमाइंड कराती है कि आपको ये वादे पूरे करने हैं. अब बात करते हैं मीडिया एथिक्स के बारे में. देखिए, मीडिया के भी कुछ एथिक्स होते हैं, है ना. द मीडिया शुड बी ऑलवेज द एम टू सीक द ट्रूथ एंड द रिपोर्ट्स पब्लिक. मतलब कि जो मीडिया है वो हमेशा सच और जो सोशल अवेयरनेस के जो भी चीज़ें हैं उसको दिखाना चाहिए, उसे बताना चाहिए लोगों के बीच में. एंड द मीडिया शुड ऑलवेज एक्ट द इंडिपेंडेंटली, इट शुड बी नॉट वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. जो मीडिया है वो हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए, वो किसी सरकार या किसी भी संस्था के दबाव पर आके काम नहीं करना चाहिए. ठीक है,
Promotions of the stereotype thoughts are that advertisement and entertainment should be avoided. मतलब किसी एक सोच को उन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ऐसे चीजों को प्रचारित नहीं करना चाहिए. Now we will discuss about the advertisement. Advertisement is the defined notice picture or a film telling people about a product, job or service. Advertisement मतलब होता है प्रचार. Means ये जो advertisement है कोई notice हो सकती है, कोई picture हो सकती है या कोई film हो सकती है, जो TV वगैरह में आप clips देखते हैं वो वैसा हो सकता है. किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी जॉब के बारे में या किसी सर्विस के बारे में आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर वगैरह जब आप पढ़ते हैं, मैगजीन्स जब आप पढ़ते हैं, तो उसने देखा होगा बहुत सारे कॉलम्स बने होते हैं और उनमें एडवर्टाइज दिया होता है. किसी प्रोडक्ट का हो सकता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, किसी सर्विस के लिए हो सकता है ना, और कोई जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट हो सकता है. ऐसे ही आपने टीवी पर भी देखा होगा, जब आप टीवी देखते हैं, न्यूज चैनल, सीरियल्स या क्रिकेट मैच, तो आपने देखा होगा कि रेगुलर इंटरवल के बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं. तो वो किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी सर्विस के लिए क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, है ना. ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स एंड देयर ब्रांड वैल्यूज. ठीक है, अब ब्रांडेड प्रोडक्ट विल बी द कॉस्ट मच मोर देन द प्रोडक्ट which is sold loose due to the packaging and the advertisement charge. देखिए होता क्या है ना कि जो ब्रांड बन जाता है, कोई भी कंपनी जब कोई ब्रांड बन जाती है तो वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज़्यादा पैसा लेता है, अपनी ब्रांडिंग का, उसकी पैकेजिंग का, है ना. ब्रांडिंग प्रिफर्स टू द असाइनिंग अ नेम ऑफ सिंबल टू द प्रोडक्ट. देर इज अ स्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन स्पेशली इन द गुड फूड प्रोडक्ट्स such as the pulses and rice which are the sold loose in the market and they are ones of the branded of by companies. खाने पीने की चीज़ों में आप जानते हैं वैसे भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है. इसका एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे ब्रांडेड जो कंपनीज हैं वो उनको रिपैकेजिंग करती हैं, उनको अच्छे से उसको रैपिंग करके और मार्केट में लॉन्च करती हैं. और यही चीज़ें जैसे कि आप चावल ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, इस तरीके की चीज़ें ये आपको मार्केट में ओपन भी मिल जाती है. टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, सबसे पहले कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट के बारे में. तो कॉमर्शियली जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उसमें देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जितने भी कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट के लिए होते हैं. उनको समाज में उससे क्या फ़ायदा हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होते हैं, टू गेट द मोर मनी, है ना. वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं. और जो सोशल एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें क्या होता है, उसमें समाज जो हमारी सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए वो प्रचार कर रहे होते हैं. ठीक है, ऐसी सर्विसेज, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में वो एडवर्टाइज करते हैं जिनसे उनका तो हो सकता है पैसे का फायदा ना हो रहा हो लेकिन सोसाइटी को बहुत फायदा हो रहा होता है. ठीक है, बहुत सारे एनजीओस हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल मैसेज हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन का उसको योग एड करते थे, है ना. इस तरीके की चीज़ें. फिर एडवांटेजेस ऑफ द एडवर्टीजमेंट, देखिए एडवर्टीजमेंट के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. हमें सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स की जानकारी मिलती है, ये पता चलता है कि कौन से कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कितने में है और इसका जो कंटेंट्स है वो क्या है. बहुत सारे सर्विसेज के बारे में जानकारी मिलती है तो वो हम लोग उसको बाद में कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि जो प्रोडक्ट है कभी कभी जो बताया जाता है, जो कंटेंट्स हमें बताया जाता है वो नहीं होता, मेजरमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है ना. तो और जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है, जिस क्योंकि जिससे आप अगर किसी ब्रांड का अगर आप प्रमोशन कराएंगे तो आपको उससे भी पे करना होता है. तो वो जो कंपनी होती है वो अपना प्रॉफिट अपने प्रोडक्ट्स में ऐड करके कस्टमर से लेती है ना. फिर है कंज्यूमरिज्म, तो जो परचेज करता है, जो गुड्स को कंज्यूम करता है
है ना, पर्सनल यूज के लिए उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमरिज्म। ठीक है, बाकी कंज्यूमर अगर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करते हैं तो देखिए, जैसे कभी होता है ना कि प्राइस हाई हो गए, या आपका मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, कोई ऐसी चीज़ बताई गई जो प्रोडक्ट में नहीं थी, या इंटेग्रम सर्विस है, सर्विसेज में आपको जैसे ई टिकटिंग के बारे में, आप हॉलीडेज पैकेजेस लेते हैं तो उनमें जो चीज़ें आपसे कही जाती हैं, अगर वो अमेनिटीज आपको बाद में नहीं मिलती, सर्विसेज आपको बाद में नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसके लिए, या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है ना, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं, इट इज़ टू कोऑर्डिनेशन अलॉन्ग द मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स है ना, तो वो हो सकता है। या मल्टीपल वेट ऑफ एंड मेजरमेंट, मतलब कोई वेट और मेजरमेंट का अगर प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए कंज्यूमरी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जो जिनको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन इनिशिएटिव है ना, तो वो चलाए जाते हैं जिससे अवेयरनेस लोगों में फैले कंज्यूमर्स पे, और वो किसी भी प्रकार से वो किसी कंपनी के द्वारा या किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा बाद में ठगे ना जा सके, चीट ना किए जा सके, है ना। द कंज्यूमर शुड बी द वेल अवेयर ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ एंड दिस लॉ आर राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन जिसे RTI भी बोला जाता है, राइट टू चूज, राइट टू सीक ऑफ रेफरल है ना, राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने इस चैप्टर पे अपने डिस्कस किया। आई होप कोई चैप्टर आपको पसंद आया होगा। You enjoyed this video, and if you have any doubt, if you have any query, then you can ask me. Till then, bye bye.